अस्सलाम वालेकुम वर्ज, आज मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के सबसे अहम टेस्ट का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो होता है नॉन वर्बल, तो उसके बारे में आज मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज कराना चाहता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप सामने, ये जो तस्वीरी शक्ल में सवाल है ये एक्सरसाइज के तौर पर आज हम ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल यह है कि सबसे पहले सवाल में आपने देखा है कि ये डब्बा, ये जगह जो है ये खाली है, तो इस पर कौन सी जगह, कौन सा डब्बा है, तो इसका आंसर है बी। फिर आ जाते हैं फिर दूसरे पे देखना है कि नीचे, आप अगर आप ज़रा गौर से देखें तो नीचे एक जगह मतलब एक डब्बा खाली है, तो इसका आंसर बाकी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी जो भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे दो डब्बे हैं, यहाँ पे दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे, तो इसका आंसर आप क्विकली कर सकते हैं कि इसका आंसर भी यही है। तो क्वेश्चन नंबर तीन पे आ जाते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर बी है, तो आप थोड़ा सवाल को देख सकते हैं इसका आंसर बी है। फिर क्वेश्चन नंबर चार पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर चार का आंसर जो है वो डी है। फिर इसी तरह क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आ जाता है, एक और क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा हुआ है। फिर इसके साथ क्वेश्चन नंबर सिक्स है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर आप देख सकते हैं ये भी ए है। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन, अगर सेवन पे आ जाए तो क्वेश्चन नंबर सेवन पर थोड़ा गौर करें, तो क्वेश्चन नंबर सेवन, तो इसका आंसर जो लगा है वो सी है। तो क्वेश्चन नंबर एट पे देखें, तो अगर आप गौर से देखें तो इसका आंसर जो है वो बी है। फिर आ जाते हैं जो क्वेश्चन नंबर नाइन पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे जो इसका आंसर जो है वो बी है। फिर लेकिन बुक में इसका आंसर ए लगा हुआ है, लेकिन और कहें तो इसका आंसर बी है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जो है इसका आंसर बी में गलत गया था, लेकिन इसका आंसर जो है वो बी है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जो है, फिर यहाँ पे फिफ्टीन का आंसर आप देख सकते हैं, अगर ज़रा डब्बे गौर से देखें तो इसका आंसर जो है वो सी है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे, तो इसका आंसर जो है वो बी है। आप ज़रा मतलब डब्बे को खत्म गौर से देखते जाएँ तो इनकी आपने सबसे पहले मुख्तलिफ शॉर्ट शॉट जो है नोटिस करने होते हैं, तो यहाँ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं वीडियो का। तो इसी तरह एम सी क्यूज नंबर आ जाती है 17, फिर इसका यही चीज़ें होती हैं देखने वाली, जो मतलब ये इस तरह में छोटे छोटे क्लीव छोड़ होते हैं, मतलब यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये मतलब गहरा मुकम्मल नहीं है, तो इसकी जो यहाँ से आप देख सकते हैं ये चीज़ें, तो इन चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मतलब इस का आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर डी भी हो सकता है, फिर बी भी हो सकता है इसका ये कहना। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर आप देख सकते हैं, सबसे बेस्ट आंसर जो है वो आप खुद ही लगा सकते हैं अंदाज़ा लगा के, ये चीज़ें देख के समझ के। तो फिर इसका आंसर बी भी लगाया हुआ है, लेकिन इसका आंसर सी भी लगता है, तो आप ही इसका सही फैसला कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है 19, तो 19 का आंसर आप देखें उन बुक में डी लगाया हुआ है, आपने समझ लिया है, मैंने वैसे ए लगा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर मैंने ए लगाया था, लेकिन इसका आंसर जो है वो बुक के अंदर डी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर जो है वो ए। तो ये नोट करने की सबसे आम चीज़ें ये होती हैं कि आप यहाँ से किसी मतलब एक जगह से छोटी सी एक जगह से देख लें तो आप शायद अंदाज़ा हो जाए, यहाँ पे ना दो डब्बे मतलब नीचे से दो डब्बे की तरह, तो यहाँ पे आपने देख लें ये तो मिसिंग है, ये तो इसका आंसर है ही नहीं, यहाँ पे एक ही डब्बा है, अब जो बाकी बचे हैं ये दो डब्बे, तो इन दो डब्बों के दरमियान आपने ये देखना है कि इस डब्बे का नीचे वाला हिस्सा और इनका ऊपर वाला हिस्सा बचा हुआ है। तो अगर आप ज़रा गौर करें तो आपको समझ लेना इतनी मुश्किल नहीं होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी समझ में मुश्किल नहीं होगी कि इस चीज़ को आप इसकी लेंथ को देख सकते हैं, इसकी लेंथ जो है ज़्यादा है, मतलब ये चीज़ इनकी लेंथ का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो बाकी यहाँ ये देख सकते हैं कि कौन सा हिस्सा, तो फिर इसका आंसर यही ए ही सकता है, रह जाता है एमसीक्यू नंबर 22। तो 22 एमसीक्यू का आंसर सी है, यहाँ पे भी आपने बस छोटा सा ये जो चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है, इसका आंसर डी है।
क्वेश्चन नंबर है 24, तो इसका आंसर है यहाँ पे ए लगा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25, तो इसका आंसर यहाँ पे सी लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट फर्दर नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका आंसर 26 का बी है। तो आगे हमारे पास एक और आंसर हो जाते हैं 27, तो इसका आंसर जो है वो ए लगा हुआ है। आपने इसकी वजह देखी है क्यों लगा हुआ है, अगर आप इन ये एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेते हैं आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगा। फिर एक्सरसाइज नंबर है 28, तो इसका आंसर जो है ये सी है। ये वो एक्सरसाइज है जो आपने देखना है करना है, इस तरह अगर आप सही तरीके से इसको मुकम्मल कर जाते हैं तो आपके लिए नंबर पर टेस्ट पास करना इतना मुश्किल नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। शुक्रिया।